हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन केसरी। तो देखे, आज की मेरी जो वीडियो है वो है गुड़हल के पौधे को लेकर, कि गुड़हल के पौधे पर जो जो प्रॉब्लम आती है और कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और कैसे आती है, तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वो प्लांट है जो मैंने कटिंग से ग्रो किए थे, आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। जो मैंने ये सभी प्लांट जो है अपने कटिंग से रेडी किए हुए हैं गुड़हल के, जो मेरे पास बड़ा प्लांट था, तो मैंने उन प्लांट्स की ये कटिंग तैयार की है। तो ये सभी देख सकते हैं आप कितने अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं और अच्छी इनकी ग्रोथ भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये भी वही कटिंग वाला प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से रेडी किया था। तो इस पौधे में जो है थोड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो है ये लीव्स वाली प्रॉब्लम आई हुई है। और वैसे प्लांट बिल्कुल स्वस्थ चल रहा था, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा था प्लांट लीव्स पर ही। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इसकी लीव्स जो हैं अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। तो अचानक इस प्लांट के अंदर जो है ये वाली प्रॉब्लम आ चुकी है कि इसकी लीव्स पर देखिए आप क्या प्रॉब्लम है। कोई कीट नहीं है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी इसके अंदर जो है ये लीव्स इनकी मुड़ी हुई है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि फ्रेंड्स, ये लीव्स ऐसे ही प्लांट चलते चलते कि क्यों मुड़ जाती हैं, क्यों उन पर ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है हमारे प्लांट पर, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो है अच्छे से फिर ग्रोथ नहीं कर पाता। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या प्रॉब्लम है ये। तो फ्रेंड्स, जो ये प्रॉब्लम आई हुई है मेरे सिर्फ एक ही प्लांट के अंदर आई हुई है, इसी प्लांट के अंदर जो मेरा काफ़ी बड़ा प्लांट है, कटिंग से मेरा तैयार प्लांट है। ये प्लांट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो उसकी लीव्स बिल्कुल स्वस्थ अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और इस प्लांट की भी ये मेरी कटिंग ही लगी हुई है अभी, मैंने इसको जो है रिपोर्ट भी नहीं किया, मैंने सपोर्ट में इसको लगा दिया था। तो अभी आप देख सकते हो ये मेरी कटिंग ऐसे ही लगी हुई है, मैंने इसको रिपोर्टिंग भी इसकी नहीं की। इन दोनों प्लांट की मैंने रिपोर्ट कर दिया था, और जो कि आप ग्रोथ देख सकते हो इनकी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इस प्रॉब्लम की जो हमारे प्लांट के अंदर आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इसको हटाने के लिए फ्रेंड्स, हमें ना ही तो कोई खर्चा करने की ज़रूरत है, ना ही कोई इस पर दवाई लगाने की ज़रूरत है, ना ही कोई भी हमें, हम इसका इलाज जो है फ्री में करेंगे, जो कि बिल्कुल हमारे घर पर, बिल्कुल सभी के घर पर जो है मौजूद होता है। तो हिबिस्कस का जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, इसकी जो केयर होती है बिल्कुल ही सस्ती में हम इसको कर लेते हैं, जो हमारे घर पर ही उपलब्ध होती है, घरेलू इलाज ही इसका होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो हमारे जो पौधों की लीव्स मुड़ जाती हैं, हमारे पौधे में कीड़ी आ जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसका ये सभी का ये इलाज है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ ये डिस पाउडर, मैंने आधा चम्मच इसको डिस पाउडर का लिया है। आप कोई भी डिस पाउडर ले सकते हो, जो भी आपके पास हो, जो भी आप यूज करते हो, किसी भी कंपनी का हो, तो आप कोई भी डिस पाउडर यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये डिस पाउडर लिया है, तो हमें जो है इस पर इसका करना होगा स्प्रे अपने प्लांट के ऊपर। जब भी हम इसका स्प्रे करेंगे तो हमारे पौधे के अंदर या तो कीड़ी हो या कोई कीट पनप गया हो। तो मैंने बोतल में जो है, मेरी आधा लीटर की बोतल है, मैंने इसमें इसको जो है मैं इसको सर्फ से इसको फिल कर दूँगी, जो मैंने डिस पाउडर लिया था। आधा लीटर की ये बोतल है, आप देख सकते हो। तो इसमें मैंने आधा चम्मच मिक्स किया है, आधा चम्मच आप मिलाने के बाद इस पर जो है अच्छे से इसको घोल लेंगे। इसको घोलने के बाद जो है आप इस पर करें स्प्रे, तो आपके पौधे पर जो ये प्रॉब्लम है ये सारी हट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पौधे पर कीड़ी है, कोई भी चींटी वगैरह, कहीं से भी कोई भी कीड़ा आया, कुछ भी मच्छर वगैरह पनप गया है, तो सब बाहर आ जाएगा, इससे आपके पौधे को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस काम को आप जो है सुबह के वक्त करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसको डायरेक्ट धूप में रख दे करने के बाद, आप जब इसको डायरेक्ट धूप में रखोगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी डिस पाउडर की वजह से जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो मैंने इसको पौधे को जो है हमें नहलाना है, मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है नहला दिया है, कुछ सर्फ घुल भी गया और कुछ नहीं भी घुला, कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी में जो है डिस पाउडर का जो कण होते हैं वो घुल ही गए हैं सभी,
तो आप इसको अच्छे से घोल कर जो है आप इस पर वॉश कर दें तो आपके सारे प्रॉब्लम जो होगी पौधे की वो सारी दूर हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बाद जो फ्रेंड्स इसमें से नई लीव्स निकलेगी आपके प्लांट की यहाँ से, तो वो अच्छे से निकलेगी, वो ऐसे मुड़ी हुई नहीं निकलेगी। तो आप इस को घरेलू इलाज आप कर सकते हो और इसका रिजल्ट बिल्कुल 100% आता है फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं नहीं कह रही हूँ। तो आप इसको कर देखिए, आपका प्लांट बिल्कुल हेल्थी बनेगा और स्वस्थ रहेगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा स्प्रे मैं इन प्लांट के अंदर भी कर दूंगी, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे प्लांट के अंदर, पर फिर भी कोई मच्छर वगैरह या कुछ भी प्रॉब्लम थोड़ी सी भी आ जाती है तो वो इससे दूर हो जाएगी, क्योंकि इससे हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता। तो आप इस नुस्खे को आजमा सकते हो, कोई भी डिश पाउडर हो आप उसको आधा चम्मच घोल कर आधा लीटर में आप इसको अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर सकते हो और 100% इसका रिजल्ट आता है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज, बाय।